वन सेकेंड, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक से होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुवैत का जो वीज़ा स्टैम्पिंग है कैसा दिखता है, क्या होता है, और किसका कितना चार्ज होता है, और किसका क्या प्रोसीजर है, कितना लंबा टाइम लगता है बन के आने में फ्रेंड। क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने फ्रेंड्स कुवैत के वीज़ा से रिलेटेड वीडियो बनाया था, और उसमें काफ़ी हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने कमेंट किया था कि कुवैत का वीज़ा स्टैम्पिंग होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका प्रोसीजर क्या है, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो फ्रेंड। तो इसलिए मुझे वीडियो फ्रेंड्स बनाना पड़ रहा है फ्रेंड, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें फ्रेंड, ताकि आपको हर एक बात फ्रेंड जो कि समझ में आए फ्रेंड। तो जैसा फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, हमारे हाथ में वीज़ा स्टैम्पिंग है, जो ये पासपोर्ट, इसका ये हमारा पासपोर्ट है, और आपका जो पासपोर्ट पे ही आपको जो वीज़ा स्टैम्पिंग होगा पासपोर्ट पे ही होता है, और पासपोर्ट के बाद आपको जो एंट्री वीज़ा मिलता है जो कुवैत से आपका बाय पोस्ट जो है कि इंडिया में जाता है, जो एम्बेसी में जाता है फ्रेंड, और उसके बाद आपको जो कि वीज़ा स्टैम्पिंग किया जाता है। बिना वीज़ा स्टैम्पिंग के आप कुवैत में नहीं आ सकते फ्रेंड। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जितना इंपॉर्टेंट जो कि हमारा कुवैत के लिए PCC होता है, उतना इंपॉर्टेंट हमारा जो कि कुवैत के लिए वीज़ा स्टैम्पिंग लगाना बहुत जरूरी फ्रेंड। तो फ्रेंड हम बात करते हैं कि देखिए, जैसे आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, किसी कंपनी के लिए जैसे इंडिया से आपका सिलेक्शन हो गया, आपका मेडिकल मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद फिर आपका जो कि PCC कराना पड़ा, क्योंकि PCC के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है, और मतलब इतना जल्दी उसका जो कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है फ्रेंड। तो फिर हम बात करते हैं कुवैत का जो वीज़ा स्टैम्पिंग, इसका कितना चार्ज है और कितना लंबा टाइम लगता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, मैं आपको इस वीडियो में जो कि पूरा वन बाय वन करके बताने वाला हूँ फ्रेंड, और इस वीडियो को कहीं से भी कट ना करें, फिर आपको बात पूरी समझ नहीं आएगी फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कुवैत का स्टैम्पिंग वीज़ा होता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप डिस्प्ले देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुवैत का यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कुवैत वीज़ा स्टैम्पिंग। आपको सबसे पहले ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, जो 6 महीने की वैलिडिटी कम से कम होना चाहिए, 6 महीने से बाद ही होना चाहिए, इसके पहले एक्सपायर होना चाहिए। सेकंड हमारा है ओरिजिनल वीज़ा चाहिए, जो कुवैत का एंट्री वीज़ा बोलते हैं, और थर्ड हमारा है 2 वाइट बैकग्राउंड फोटोज चाहिए। फोर्थ हमारा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसे PCC बोला जाता है, और ये चाहिए आपको, ये भी 3 महीने के अंदर होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट है, ये हमारा ओरिजिनल मेडिकल फ्रॉम गमका अप्रूव क्लिनिक, यानी कि आपको जो मेडिकल रिपोर्ट है जो गमका मेडिकल कराते हैं, इसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए, फिट होके चाहिए, जिसकी वैलिडिटी आपकी 90 डेज के अंदर होना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया आपको इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फ्रेंड। अब मैं सेकंड बताने जा रहा हूँ आपको, जो कुवैत का अगर आपका वीज़ा स्टैम्पिंग अगर आप खुद करवाते, जैसे आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर से जा रहे हैं कुवैत में, उस टाइम फ्रेंड्स आपको क्या होगा कि मतलब काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ऑफिस के थ्रू कराते हैं तो आपका मतलब बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि उनका पकड़ होता है, उनका जान पहचान होता है, और डेली उनका यही काम होता है ऑफिस वाले का कि डेली 10, 5, 20 जो कि मतलब उनका जो कि वीज़ा स्टैम्पिंग करवा, उनका पकड़ ज़्यादा होता है, इसलिए उनका फास्ट हो जाता है। और फ्रेंड अगर आप खुद कराएंगे तो आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा, उससे अगर आप देख सकते हैं नेट पर अगर सर्च करें तब भी आपका मतलब नॉर्मल डेज जो कि 15 दिन लिखा हुआ, बाकी 1 महीना भी लग जाता है फ्रेंड। और सेकंड अगर आप कंपनीज कराते हैं, अगर आपने कंपनी इंटरव्यू दिया, आपका किसी कंसल्टेंसी ऑफिस से हैं, तो आपका 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा, ये डिपेंड करता है कितना वहाँ पे जो कि भीड़ है, कितने लोग वहाँ पे गए हुए हैं। अब फ्रेंड थर्ड हम बात करते हैं कुवैत का, अगर आप वीज़ा स्टैम्पिंग करवा रहे हैं तो कुवैत का वीज़ा स्टैम्पिंग कराने का चार्ज कितना फ्रेंड। देखिए आज की डेट में 12 से 13 हज़ार रुपये चार्ज अगर आप नॉर्मल कराते हैं तो, और आप अगर अर्जेंट करवाते हैं तो फिर आपका 15-16 हज़ार लग जाएगा, बट आपको नॉर्मल कराना बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाता है और नॉर्मल प्राइस भी है। और फिर हम फोर्थ बात करने वाले हैं कि जैसे अगर आपका जैसे सब कुछ हो गया आपका एम्बेसी से, जैसे आपका ये जो कि पासपोर्ट जैसे आपको मैंने दिखाया है, ये आपका हो गया वीज़ा स्टैम्पिंग होने बाद जैसे आपका आएगा, तो आपको क्या करेगा कंसल्टेंसी वाला, जिस ऑफिस के थ्रू आप आ रहे हैं वो ऑफिस वाला आपको टिकट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपने सब उसके पैसे पे कर दिए वन बाई वन करके, लास्ट में क्या करेगा आपको पैसा लेने के बाद आपको टिकट देगा। टिकट इशू के बाद मैंने आपको सब कुछ बताया दिया, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना, ले जाने के बाद आपको फिर क्या होगा, आपको जो भी अगर आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजिम आपको अपने फ़ोन में रखना है, जो यहाँ का ऐप्स चलता है। और फ्रेंड फाइनली क्या करना है, अगर जैसे आप कुवैत में आ जाते हैं तो आपका एंट्री वीज़ा हो ख़त्म होने से पहले क्या करेगा कि हमारा जो कुवैत की गवर्नमेंट है आपको इस तरह से पासपोर्ट आपको क्या कि जो कि आपका सिविल आईडी बनाएगा, आपका मेडिकल फिर से दोबारा होगा, मेडिकल होने के बाद आपको देखिए हमारा सिविल आईडी है, इसको बोलते हैं सिविल आईडी, यानी कि ये वर्क मतलब वीज़ा हो गया। फिर आपका 1 साल के लिए यहाँ पे वर्क परमिट बनाया जाएगा, जो उसका लाइफ जो कि उसका 1 ईयर वैलिडिटी रहेगा उस वीज़ा पे, यानी कि उस आईडी पे से एकामा भी बोल सकते हैं। तो इस एकामा में क्या करेंगे आप, फिर एक जो कि 1 साल तक मतलब यहाँ काम कर सकते हैं कंपनी में, और ये इस तरीके से आप रह सकते हैं।
और फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ताकि कुवैत में अगर आप कभी भी आते हैं तो वीज़ा स्टैंपिंग से लेकर के आपको हर एक नॉलेज आपको होनी चाहिए फ्रेंड। और फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा होगा फ्रेंड। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड। और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं आते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि लेटेस्ट में जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पास नोटिफिकेशन थ्रू फ्रेंड जरूर पहुँचे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स।